भारत में सेना में जाना न सिर्फ गर्व का विषय है, बल्कि सेना में रहते हुए किसी सैनिक को मेडल उसके उम्र भर की कमाई होती है। और अगर सर्वोच्च सैन्य पदक मिल जाए तो क्या ही कहने। परमवीर चक्र युद्ध में बहादुरी के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण उन वीरों के नाम पर है जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। मेजर सोमनाथ शर्मा से लेकर कैप्टन विक्रम बत्रा तक अब तक 21 वीर योद्धाओं को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस पदक को डिजाइन किसी भारतीय ने नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड की रहने वाली एक महिला ने किया था। कौन थी वो महिला और क्या था भारत और परमवीर चक्र के साथ उसका कनेक्शन, चलिए पूरी कहानी जानते हैं उस महिला की, यानी कि इवा योने लिंडा की, जिन्हें सावित्रीबाई खानोलकर के नाम से जाना जाता है। 20 जुलाई 1913 को स्विट्जरलैंड में जन्म लेने वाली इवा की मां रूस की रहने वाली थी। पिता हंगरी से थे, पिता पेशे से लाइब्रेरियन थे। इस कारण इवा को छोटी उम्र से ही किताबों में दिलचस्पी बढ़ती गई। सही मायनों में तो किताबों से दोस्ती ही इवा को भारत के नजदीक लाई और वो भारत और भारतीयों से प्रेम करने लगी। कैप्टन विक्रम खानोलकर उनकी जिंदगी में आए और उनके पति बन गए। इवा के लिए सब कुछ बदल गया, लेकिन इतिहास लिखा जाना अभी बाकी था। लेकिन इतिहास लिखने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। 1947 के बाद भारत पाक युद्ध में अदम्य साहस दिखाने वाले वीरों को सम्मानित करने के लिए भारतीय सेना नए पदक पर काम कर रही थी। नया पदक तैयार करने की जिम्मेदारी मेजर जनरल हीरालाल अटल को दी गई। इस काम को अंजाम देने के लिए मेजर जनरल अटल ने सावित्री बाई को चुना। अटल के हिसाब से सावित्री ज्ञान का भंडार थी। उन्हें भारतीय संस्कृति, वेदों और पुराणों की अच्छी समझ थी। इस कारण उनसे बेहतर डिजाइन कोई और तैयार नहीं कर सकता था। सावित्री बाई ने भी मेजर को निराश नहीं किया। इवा की जब शादी हुई तो वो पूरी तरह से भारतीय हो चुकी थी। भारत को पहले से प्रेम करने वाली इवा के लिए भारत कोई नया नहीं था और ना ही यहाँ की संस्कृति नहीं थी। इवा लगभग भारतीय हो चुकी थी। इवा का पहनावा और भाषा भी भारतीय रंग में रंग चुकी थी। पहली बार में जो उनसे मिलते थे उसे भारतीय ही समझते थे। सावित्री बाई के पति विक्रम खानोलकर की पहली पोस्टिंग औरंगाबाद में हुई। बाद में प्रमोशन पाकर जब वो बतौर मेजर नौकरी के लिए पटना पहुंचे तो सावित्री बाई भी उनके साथ गई। जानकारों का मानना है कि सावित्री बाई की जिंदगी में ये अहम पड़ाव था। पटना पहुंचकर सावित्री बाई ने पटना विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और संस्कृत नाटक, वेद और उपनिषद का गहन अध्ययन किया। नृत्य और संगीत में भी सावित्री बाई ने महारत हासिल कर ली। इसके बाद सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र और संस्कृत डिक्शनरी ऑफ नेम्स नामक दो किताबें भी लिखी। कैसा है परमवीर चक्र? परमवीर चक्र को 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले कांस्य धातु की गोलाकार कृति के रूप में तैयार किया गया था, जिसके चारों तरफ वज्र के चार चिन्ह बने हैं। पदक के बीच में अशोक की लाट से लिए गए चक्र को भी जगह दी गई है। परमवीर चक्र के दूसरी ओर कमल का चिन्ह भी है, जिसमें हिंदी अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा हुआ है। 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर इसे पेश किया गया था। सावित्री बाई ने परमवीर चक्र के अलावा अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र को भी डिजाइन किया। जनरल सर्विस मेडल 1947 को डिजाइन करने का श्रेय सावित्री बाई को ही जाता है। संयोग देखिए कि जिस शख्स को पहला परमवीर चक्र दिया गया था वो सावित्री बाई की बड़ी बेटी कुमुदिनी शर्मा के बहनोई चार कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा थे। 1947-48 के भारत पाक युद्ध के दौरान उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया था। अब तक 21 लोगों को परमवीर चक्र मिल चुका है। 1952 में पति की मौत के बाद सावित्री बाई ने पूरी तरह से आध्यात्म को अपना लिया। एक विदेशी होकर भी उनकी आत्मा भारत की हो गई।